5,67,641 वर्ग फीट जमीन, जो लगभग हम लोग जो 10% के हिसाब से हम लोग सब्सिडी रेट में जो दिए हैं संगठनों को, 48 संगठनों को, उसकी कीमत करीब 13,70,00,000 रुपए होता है और उसे मात्र 1,90,00,000 रुपया में उस जमीन हम लोगों ने दिया है सामाजिक संगठनों को, ताकि वो भी शहर में अपना भवन बना सके। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण और भी फैसले हुए हैं, तो इसकी जानकारी आदरणीय चौबे जी। शिक्षक भर्ती की बात है, लगभग 12,000 कितना आंकड़े बताएं, 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में पड़े हैं उसके भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक क्षेत्र से भर्ती की जाएगी। इस प्रकार के फैसले हुए हैं और विस्तार से कुछ जानकारी देना चाहें चौधरी जी। आज की मंत्रिमंडल की 48वीं बैठक में 14 प्रस्ताव थे, उसमें से अधिकांश जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है शिक्षकों की भर्ती का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड करने का। लगभग 12,500 शिक्षकों की भर्ती का, SC ST और OBC के अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनाने का और अलग से डायरेक्टरेट बनाने का, और हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए पहले ब्याज 1,00,000 तक 1% में और 3,00,000 तक 3% में होता था, तो शॉर्ट टर्म लोन में जैसे दिगर खरीफ फसलों में 0% ब्याज के, कृषि के क्षेत्र में उद्यानिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। ये लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अवगत कराया, और जो अन्य निर्णय हुए हैं छत्तीसगढ़ में राजधानी को बने लगभग अभी 22 वर्ष हमारा राजधानी हो गया है, सारे विभागों के भवन है महानदी इंद्रावती सीनाथ से लेकर के, कृषि विभाग के लिए भी भवन बनाना है नया राजधानी में, तो कृषि विभाग के भवन के लिए भी जगह का आवंटन आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय किया गया। ये और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है PWD में मान के प्रकार की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल से परीक्षा हुआ था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट और लिस्ट की वैलिडिटी थी वो समाप्त हो चुकी थी, लोग बहुत मांग कर रहे थे, उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उन मान की प्रकारों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में जो सर्विस रोड होता है केनाल के जल संसाधन विभाग का, उन विभाग के द्वारा भी उसमें सड़क का निर्माण करते हैं और उसमें मूलम टॉपिंग का ही निर्णय प्रावधानित है, लेकिन आजकल जरूरत को देखते हुए कनेक्टिविटी के कारण उसमें कभी कभी PWD के द्वारा डिजिटीकरण भी किया जाता है, BT रोड भी बनाया जाता है। आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये निर्णय हुआ कि उन मार्गों का संधारण बनाने का अनुमति तो जल संसाधन विभाग देगा, लेकिन ये सारे विभाग जो जिनके द्वारा चाहे PMGSY के हों, चाहे PWD के हों, चाहे रूरल ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क निर्माण में, तो उसके द्वारा इसको किया जाएगा। एक अन्य निर्णय में जो शहरी क्षेत्र के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लगभग 2,000 करोड़ के अधिक का वो ऋण का था, उसकी बैंकों के साथ जो चर्चा चल रही थी, तो जो इस योजना के अंतर्गत इसको सहमति दी गई और शहरी क्षेत्र के आवास के लिए भी इसका निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और एक हुआ है, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई थी, एक कांकेर, कोरबा और महासमुंद, तीनों में एडमिशन का निर्णय हो गया है और बिल्डिंग या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले CGMC को ही करना था, लेकिन आज निर्णय हुआ है कि अगर उसमें विलम्ब होता है तो चूंकि राज्य सरकार राज्यांश देती है, केंद्र सरकार के भी पैसे आते हैं, और तीनों मेडिकल कॉलेज में इसी साल से एडमिशन की अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिल गई है, छत्तीसगढ़ को इन सीटों का इजाफा हुआ है, तो इसको अगर बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसमें और द्रुत गति से कार्य हो सके। जोधपुर के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
तीनों योजनाएं जो आपके समक्ष रखा, एक तो पंप स्टोरेज आधारित, ये इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई कास्ट नहीं आएगा। हमारे पास इधर सीकासार से लेकर उधर हसदेव तक और रिहन तक ऐसी वैली है, ऐसी नदियां हैं जो ग्रेविटी से काफी तेजी से बहती हैं, टरबाइन उसमें चलाया जा सकता है, तो पानी को स्टोरेज करके उसी टरबाइन का उपयोग करके हम हाइड्रो पावर में आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में लगभग इससे अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इस संदर्भ में भी इसको निर्णित किया गया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो हमारा जो हम लोगों ने बनाया था, नीति बनाया था, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 7 इस प्रकार से हाइड्रो पावर हमारे यहाँ संचालित है जिसमें 75 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होता है। आने वाले समय में 6 और हाइड्रो पावर का जो हम लोगों को निर्माण करना है जिसमें 83 मेगावाट का और विद्युत का उत्पादन होगा, तो उसके लिए इस अवधि जो हमारी नीति है उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। एक आखिरी निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत 0% ब्याज में देने का जो निर्णय हुआ है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने धान के विकल्प के रूप में भी हॉर्टिकल्चर की फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 की बजाय 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का जो निर्णय लिया है, तो लोगों का उधर झुकाव और रुझान बढ़ रहा है। आने वाले समय में इससे और हॉर्टिकल्चर और उद्यानिकी की दिशा में लोग बढ़ेंगे, इसलिए 3 लाख तक के ऋण को 0% ब्याज पे किसानों को देने का ये महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट से लिया गया है। अकबर भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, सम्मानित बाकी सभी, आज जो भी निर्णय हुए उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रविंद्र चौबे जी ने दे दी है। इसमें दो बातें और हैं, एक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया जाना है, इसके बारे में भी निर्णय लिया है, और ये बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई फिल्मी 25 दिवसों में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एक निर्णय और इसमें जो जानकारी रह गई है कि राज्य शासन द्वारा जो अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र हैं बस्तर सरगुजा संभाग के अलावा गोरेला पिंडरा और कोरबा, इन जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ पे जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई है, तो उसके बारे में संभागीय स्तरीय पदों पर जो नियुक्त और जिला स्तरीय पदों पर जो नियुक्त हुए हैं, तो उनको उनकी प्रतिनियुक्ति संविलियन स्थानांतरण संलग्नीकरण जिला संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा, वो वहीं पर कार्यरत रहेंगे, वो दूसरे जिलों में या दूसरे संभाग में उनको नहीं भेजा जा सकेगा। तो इस प्रकार के सारे निर्णय की जानकारी आपके सामने है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपको प्रार्थना करना है। बात करें देखिए, मंत्री तो 13 ही मंत्री है, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं, है ना, तो विभाग तो हो सकता है एक मंत्री पद रहे, दो मंत्री पद रहे, या तीन मंत्री पद रहे अलग अलग विभाग के। जब विभाग अलग अलग है तो अलग अलग मंत्रियों को दिया भी जा सकता है, अभी तो एक ही मंत्री पद रहेगा, लेकिन डायरेक्टर जो है, सचिव ही हमारे पास लिमिट है, तो एक सचिव के पास कई विभाग है अभी भी है, हो सकता है कि हो और हो सकता है दूसरे को दिया जा सकता है, जब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग सचिव को दिया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर भी एक ही था, अब 3 डायरेक्टर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़िया जो खेल है उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो गिल्ली डंडा है, पिट्ठू है, दौड़ है, भावरा है, बिल्लस है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी खींच है, और 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, ये सब खेलों का 14 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ में अमूमन सब खेलते हैं, चाहे शहर में चाहे गाँव में,
इनका आयोजन होगा जिसमें महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है 18 वर्ष तक के, और उसके बाद 18 से 40 वर्ष तक के लिए और 40 से फिर अधिक आयु वर्ग के लिए भी खेलों का आयोजन होगा। देखिए ये प्राइवेट प्लेयर ही आएंगे और एग्रीमेंट उनके बीच होगा। देखिए जो पैसा भुगतान है वो हमारे मतलब शासकीय विभाग विद्युत जो मंडल है उसके द्वारा होगा। वो प्राइवेट पार्टी पैसा जमा करेगा हमारे जनरेशन में और वो फिर पैसा किसान को मिलेगा। तो किसान को पैसा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए जनरेशन कंपनी से ही उसकी भुगतान की जाएगी और कोई उसकी बाध्यता नहीं है कि आपको एग्रीमेंट करना ही होगा, आप नहीं देना चाहिए थे इस प्रकार से। और अन्य राज्यों में इस प्रकार से प्रस्ताव है और इसको अभी उनका DPR बन रहा है, हम लोग भी उसका DPR बनाएंगे और इससे होगा कि हमारी जो थर्मल पावर है उससे सस्ते दर पे बिजली मिल सकेगी और जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उससे भी बचा जा सकेगा। और प्राइवेट किसान लेना चाहें तो बहुत आकर्षक, और धान की खेती में मान लो 25,000 रुपया बचता है, इसमें 30,000 रुपया सालाना उसको मिलेगा, कास्ट भी नहीं लगना है और 6% की वृद्धि भी है हर साल। अच्छा उसे अब ज्यादा ले सके तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इसमें शासन के द्वारा सुनिश्चित, अब उसमें प्राइवेट ले लिए हैं तो किसान और उनके बीच का एग्रीमेंट है और यदि नहीं हुआ, पेमेंट नहीं कर रहा है तो शासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और अभी तो जनरेशन कंपनी है वो गारंटी दे रही है उसको पेमेंट करने की। 30,000 अभी है, अभी तो 30,000 का प्रस्ताव है। शासन की यदि ग्रिड के नीचे शासन की जमीन है तो हम 1 रुपया फुट में देंगे, 1 रुपया एकड़। सर आप लोगों ने कहा कि 12,489 पदों पर भर्ती होगी, पिछली भर्तियां अभी भी कुछ मुश्किल हुई है, बार बार आपको लगता है, क्या इस बार सेटअप बनाया गया कि इतने दिनों में पूरी कर ली जाएंगे? नहीं, उस समय भर्ती परीक्षा हो गया, परीक्षा के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का है तो वो तो कराना ही पड़ेगा। और नौकरी के बाद पुलिस वेरिफिकेशन यदि निगेटिव आ गया फिर क्या होगा? इसलिए पहले से करा रहे हैं, बहुत सारे पिछले अनुभव जो है वो अच्छा नहीं रहा, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं। अधिकांश उसमें ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ बचे हैं वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं। हमारे को हम तो जल्दी करना चाहेंगे। दस हजार के लिए अब वो 12,489 10,000 की जगह 12,489 करेंगे। देखिए इसी सीधे से बात है कि इन वर्गों को इससे लाभ मिलेगा, अपनी बात है शासन तक के रख सके, मुख्यमंत्री साथ मीटिंग होगी और वो सलाह देंगे और हो सकता है उसमें बहुत सारे निर्णय उसमें जो पक्ष में हो फायदा होगा समाज। समाज की डिमांड भी थी और जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग और ST तो बहुत बड़ा हो जाता था, तो इसलिए डायरेक्टेड एक होने के कारण से क्रियान्वयन में कहीं कहीं दिक्कत तो आती थी, लेकिन इसे 3 अलग अलग डायरेक्टेड होंगे, हर वर्ग के लिए अलग डायरेक्टेड हो जाए थे होने से उसका लाभ मिलेगा। तो इसमें जो जैसे आपने कनिष्ठ बोर्ड बनाया हुआ है व्यापक थे वो, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में उस प्रकार से अध्यादेश जारी हुआ था, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया। व्यापक थे आवास जो आश्रम आवासीय स्कूल जो होते हैं आदिजाति विकास के अंतर्गत, अब ये सब सलाहकार परिषद में से बात आएगी तो सब कुछ संभव भी हो सकता है। शहरी जो आवास के लिए कितने आवास और बनने का है, क्योंकि ग्रामीण आवास को भी सब पड़े हैं,
ग्रामीण आवास के लिए भी बजट में प्रावधान है, और क्योंकि अब डायरेक्ट देना है क्योंकि बैंक उसमें मना कर दिए हैं, आरबीआई ने मना कर दिया कि बैंक फाइनेंस नहीं होगा, अब सरकार के भी खजाने से हो जाएगा। और इसके लिए भी अभी जिस प्रकार से चौबे जी ने विस्तार से आपको बता दिया है, उसे 2024 तक बढ़ाया गया है। अब जल्दी उसके कार्यक्रम अलग से जारी किए जाएंगे। हाँ, तो निर्णय हुए हैं, अब खेल मंत्री जी हैं तो अलग से जारी करेंगे, आप लोगों से अलग से चर्चा करेंगे। कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है, आप जा रहे हैं क्या? कल जा रहा हूँ, कल तो शामिल रहूंगा, परसों हाफ डे तो रहूंगा, कोशिश करूंगा हाफ डे तक रहूं, क्योंकि उसके बाद मनेन्द्रगढ़ और शक्ति जिले का शुरुआत भी करना है, प्रारंभ करना है, इसलिए आना पड़ेगा, और बीच बीच में जाते रहेंगे। कि मोहन भागवत का अब तक का सबसे बड़ा लंबा दौरा है छत्तीसगढ़ को जी, इसके पहले इतना बड़ा दौरा कभी देखने को नहीं मिला जी, क्या कारण मानते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है? मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है, और मुझे जानकारी मिल रही है कि मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान किला फरा चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है, ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जीत है, और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करें, और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में जो कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम मनोरम पर्यटन पर नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले, और दूसरा जो गौठान बनाए हैं गौ माता के नाम से, बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें, और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं, तीनों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। तो अभी जो मेरा सवाल है, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ है उसमें छत्तीसगढ़िया के अलग कोई राजनीति अभी हो सकती है? अगर वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन खा रहे हैं, और जिस तरीके से अमित शाह आए थे उन्होंने बड़े पूजा की थी, अब क्या छत्तीसगढ़ में उनका? ये मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन होना अपना है, यदि बैल की पूजा कर रहे हैं तो केवल वोट के लिए नहीं होना चाहिए, यदि आप चिला फरा और चौसेला खा रहे हैं तो केवल वोट के लिए नहीं होना चाहिए, इसे आत्मसात करिए छत्तीसगढ़ संस्कृति का। ये अनऑथराइज कॉलोनी जो एक्सप्रेस वे के साथ में बन रहा है उस पर कोई कार्रवाई होगी सरकार की ओर से, या फिर बयानबाजी करते रहे? उसकी जानकारी दे दीजिए उस देखने में। और कोई सवाल? कैबिनेट बना चुके हैं जी, कैबिनेट का आज विषय इतना ही था, अभी अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, यदि प्रस्ताव होगा तो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, आपसे भोजन के लिए आमंत्रित था क्या? आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं, बोल दिया उसके बाद कर दिया। दौड़ है, भौरा है, बिल्लस है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी खींच है, मंत्रियों को दिया भी जा सकता है, अभी तो एक ही मंत्री के पास रहेगा, लेकिन डायरेक्टर जो है सचिव भी हमारे पास लिमिट है, एक सचिव के पास कई विभाग है अभी भी है, हो सकता है कि हो, और हो सकता है दूसरे को दिया जा सकता है, जब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग सचिव को दिया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर भी एक ही था, अब 3 डायरेक्टर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़िया जो खेल है उसको बढ़ावा देना है, चाहे वो गिल्ली डंडा है, पिट्टूल है, दौड़ है, भौरा है, बिल्लस है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, रस्सी की